दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रेनों के बारे में, कुछ स्पेशल ट्रेनें, कुछ ऐसी स्पेशल ट्रेनें जो कि पिछले 5 तारीख से शुरू हुई है। बहुत सारी गाड़ियां हैं, 5 तारीख को शुरू हुई है, आने वाले अगले 2-4 दिन तक ही चलने वाली है। तो ऐसे में इस लॉकडाउन में या तो फिर कहे तो इस कोरोना की महामारी में कोई अगर कहीं पर फंसा हुआ है तो उनके लिए ये स्पेशल ट्रेनें दी गई है। तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपके रूट की गाड़ी है, आपको सफ़र करनी है, तो इन गाड़ियों में आप टिकट बुक करा सकते हैं और ट्रैवल भी करा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि 5 तारीख से शुरू हो चुकी है, यानी कि कल से शुरू हो चुकी है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो थोड़ा देर से आप लोगों के लिए अपलोड हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए भी कुछ गाड़ियां हैं, तो उनको आप ज़रा ध्यान से देखिए। सारे गाड़ियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर से शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इसी तरह हर रोज़ एक नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। अब नंबर से हम शुरू करते हैं। ट्रेन का नंबर है, माफ़ी चाहूँगा, 09011090012। ऐसे में दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं हर एक गाड़ी की 2-2 नंबर आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि एक नंबर जाने के लिए तो दूसरी नंबर जो है आने के लिए। नंबर से शुरू करते हैं, 09011090012। उधना दानापुर उधना सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन उधना से 3 मई को चलाई जाएगी, जबकि दानापुर से यही ट्रेन वापसी में 5 मई को खुलने वाली है। तो ऐसे में आप चाहें तो टिकट बुक करा सकते हैं। अगली गाड़ी है 09413 09414। 13, 14, हर एक गाड़ी में सिर्फ एक नंबर आगे पीछे है। अहमदाबाद कोलकाता अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन अहमदाबाद से 5 मई को खुलेगी, यानी कि 5 मई जो बीत चुका है वहाँ 5 मई को खुल चुकी है, जबकि कोलकाता से 8 मई को खुलने वाली है। तो ऐसे में आप 8 मई वाली टिकट अगर किसी को ज़रूरत है तो आप यहाँ बुक करा सकते हैं। ट्रेन नंबर 09453 09454। अहमदाबाद समस्तीपुर अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 9 मई को अहमदाबाद से खुलेगी, जबकि समस्तीपुर से यही ट्रेन 12 मई को वापस आएगी। इसके बाद है दोस्तों 09049 09050। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हर एक गाड़ी का नंबर जो है यहाँ पे सिर्फ एक आगे या एक पीछे ही हो रहा है, यानी कि 49 और 50। यहाँ पे 09049 यानी कि 49 09050 ही है। मुंबई सेंट्रल समस्तीपुर मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन जो है मुंबई सेंट्रल से 4 मई 6 मई को चलाई जाएगी, जबकि समस्तीपुर से यही ट्रेन 5 मई 6 मई और 8 मई को चलाई जाएगी, यानी कि 3 दिन आएगी। आप ये मत सोचिएगा कि 2 बार जा रही है तो 3 बार कैसे आएगी, बस 2 ही गाड़ी जा रही है और 3 गाड़ी वापसी में आ रही है, उसके बाद का पता नहीं। इसके बाद है 09129 09130 यानी कि 29 और 30। बड़ोदरा जंक्शन दानापुर बड़ोदरा जंक्शन स्पेशल ट्रेन दानापुर से 4 मई को चलेगी। इसके बाद है 09467 09468। अहमदाबाद दानापुर अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन दानापुर से 4 मई को खुलेगी। इसके बाद है 09521 09522। राजकोट समस्तीपुर राजकोट स्पेशल ट्रेन 5 मई को राजकोट से, जबकि 8 मई को समस्तीपुर से ये खुलने वाली है। गाड़ी संख्या 09061 09062। बांद्रा टर्मिनल से बरौनी के बीच ट्रेन चलाई जाएगी, ये ट्रेन जो है 6 मई को बरौनी जंक्शन से खुलेगी। मुंबई सेंट्रल भागलपुर मुंबई सेंट्रल गाड़ी संख्या जो है 09175 09176। भागलपुर से 4 मई को ये गाड़ी खुलेगी। इसके बाद है 09177 09178। मुंबई सेंट्रल भागलपुर मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन मुंबई से 5 मई को, जबकि भागलपुर से यही गाड़ी 8 मई को खुलेगी, यानी कि 5 मई को खुल चुकी है, 8 मई को वापस आने वाली है। इसके बाद है दोस्तों गाड़ी संख्या 09181 09182। बांद्रा टर्मिनल दानापुर बड़ोदरा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 4 मई को बांद्रा टर्मिनल से दानापुर के लिए, जबकि दानापुर से 6 मई को ट्रेन चलाई जाएगी। 4 मई वाला तो मिल नहीं सकता है, 6 मई वाले में चांसेस यहाँ पे है, अगर टिकट रहा तो आप इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर नगर गुवाहाटी डॉक्टर अंबेडकर नगर स्पेशल ट्रेन डॉक्टर अंबेडकर नगर से 7 मई को, जबकि गुवाहाटी से 10 मई को चलाई जाएगी। ये ट्रेन पहले जैसे चल रही थी वही टाइम के हिसाब से ये चलने वाली है, लेकिन अंबेडकर नगर से गुवाहाटी के बीच ये स्पेशल जो ट्रेन है ये कामाख्या के बदले गुवाहाटी में ही रुकने वाली है। इन सभी ट्रेनों में यात्रियों को कोविड के जो नियम हैं उनको पालन करना जरूरी होगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क फेस पे होना जरूरी होगा। हाँ, अगर किसी राज्य में आरटीपीसीआर की ज़रूरत है तो उस राज्य के लिए आरटीपीसीआर की
जरूरत पड़ने वाली है, वरना हर एक राज्य के लिए नहीं। अच्छा, आप अब जानोगे कि कैसे जानोगे किस राज्य में आरटीपीसीआर की जरूरत है, किस राज्य में नहीं। तो यहाँ पे आई कार्ड में मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप वहां जाके देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने साफ साफ कहा है कि किस राज्य में जाने के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत है और किस राज्य में नहीं। और ये मैंने कहा नहीं है, रेलवे आपको बताएगी कि आज का जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप इस आई कार्ड में जाकर देख सकते हैं। एक बात और भी आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ कन्फर्म टिकट अगर आपके पास है या आरएसी है तो ही आप ट्रेवल कर सकते हो, वरना नहीं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना है। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, फिलहाल इस वीडियो में दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी को दूसरे तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलता हूँ फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।